हाय भाई, क्या नाम है आपका? दिनेश मीणा। क्या दिनेश मीणा? मीणा मीणा मैं। ओके, आपका? गोपाल मसारन। ओके, आप नीट एस्पिरेंट हो या जेई? नीट एस्पिरेंट। ओके, ड्रॉपर या 11th? ड्रॉपर। कौन सा ड्रॉप है? फर्स्ट है अभी। 12th के साथ में नीट की एग्जाम दी थी आपने? जी नहीं। आपने? जी जी मैंने। तब आपका स्कोर क्या आया था नीट में? मेरा आया था 180 आया था। 180 आया था। तब आपने प्रिपरेशन करी थी? हाँ। एनसीईआरटी वगैरह तो पढ़ी होगी? हाँ, एनसीईआरटी पढ़ रखी थी। हाँ, क्योंकि बिना पढ़े तो 180 आ ही नहीं सकते आप। ओके, और अभी सिलेबस कितना हो गया है? लगभग सिलेबस तो बायो और का हो गया है लगभग, और फिजिक्स का भी होने आ गया है, और केमिस्ट्री का भी हो गया है, लगभग दो चैप्टर बचे हैं। ओके, और मतलब जो आपका सिलेबस अभी चल रहा है, स्पीड कैसी क्या है? स्पीड तो स्लो ही चलाई है सर। ओके, मतलब कब होगा कंप्लीट सिलेबस? फिजिक्स का लगभग फरवरी में हो जाएगा। ओके, अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एमजीसीआई का? बहुत ही बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, तो लाजवाब कोचिंग एमजीसीआई मिली हमको। अच्छा, बढ़िया कोचिंग। फीस क्या रही थी? फीस मेरी मिनिमम 50 थी, 50,000। ओके, आपकी? 85 है। तो मतलब जो कम बजट का देख रहे हैं कोचिंग, उसके लिए एमजीसीआई बेस्ट है ना आपके अकॉर्डिंग? जी, बेस्ट है। जो टेस्ट हो रहे हैं, लास्ट टेस्ट कब हुआ था? लास्ट टेस्ट अभी मैं 15 दिन से घर चला गया था। ओके, हाँ। मतलब जो भी आपने लास्ट टेस्ट दिया था, तो आपका स्कोर क्या आया था? स्कोर आया था मेरा 200 के 250 के समथिंग। ओके, आपका? मेरे आया था, मेरा भी 270 के आसपास आया था, ज़्यादा नहीं आया। ओके, तो मतलब स्कोर कम आ रहा है, क्या रीज़न है? स्कोर कम आ रहे हो क्या? पढ़ नहीं रखे थे सही, पढ़ नहीं, रिविजन नहीं हो पा रहा था। अच्छा, हाँ, जैसे अभी ये सबके साथ प्रॉब्लम जा रही होगी कि यार करंट में चल रहा है वो करे कि टेस्ट का करे, ये दिक्कत सबके साथ जाती है। हाँ, वो क्या प्रॉपर रिविजन नहीं हो पा रहा है हमारा। हाँ, सही है, टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा, ड्रीम क्या आपका? MBBS ही करना है? हाँ जी। आपका भी? MBBS। तो MBBS कैटेगरी कौन सी है? ST। आपकी? ST है मेरी। मतलब चांस फुल है, लगभग थोड़ी सा एफर्ट और लगा लोगे तो बिल्कुल आपको MBBS मिल जाएगा। भाई चांस, अगर MBBS नहीं मिलता, सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन अगर नहीं मिलता ना, तो या तो फिर से कोचिंग करेंगे या सेल्फ स्टडी करेंगे। पर करोगे MBBS? जी बिल्कुल। ओके, आपके घर से पहले से कोई डॉक्टर है? हाँ, मेरे भैया हैं। क्या MBBS है? नहीं, तो BHMS जी। ओके, सो आपके यहाँ से कोई है? जी नहीं, मेरे यहाँ कोई नहीं है। डॉक्टर बनना क्यों चाहते हो? डॉक्टर क्या है कि घर की परिस्थिति वगैरह देख के। ओके, लोगों की सेवा करने के लिए। अच्छा, जैसे अभी ऑनलाइन भी PW वगैरह 2500-3000 में हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है, तो आपने वहाँ से करने का क्यों नहीं सोचा? जी, क्या है कि घर वालों ने बोल रखा था कि पहले कोचिंग से कर लो, तो एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा अच्छा खासा मिल जाएगा, उसके बाद तुम भलाई कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो घर। और डिस्ट्रेक्शन वगैरह होता है पढ़ाई के बीच में? हाँ, होता तो है, होता है। क्लासेस का टाइमिंग क्या है? क्लासेस का टाइमिंग हमारा 8 बजे से 1:30 से है। 8 बजे से 1:30 तक? हाँ। ओके, चलिए, बाकी सब तो बढ़िया है। और रिलेशनशिप वगैरह इन चीज़ों का नीट की प्रिपरेशन में मतलब पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है या नेगेटिव? नहीं, नेगेटिव पड़ता, नेगेटिव है, पड़ता। हाँ। आपके बैचमेट्स कोई है रिलेशनशिप में? नहीं, कोई नहीं है। अभी तो फ्रेंड भी नहीं है, बस दोस्त लोगों ने। ओके, थोड़े बहुत। ठीक है भाई, धन्यवाद। आपका वीडियो हम यूट्यूब पर यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, मतलब हिंदी। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट पूछ लेता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं हिंदी मीडियम के लिए इंदौर में बेस्ट कोचिंग कौन सी है? मैं कहूँगा, अभी तक तो कोई से कोचिंग में गया नहीं हूँ। हाँ। ये MGCI ही बेस्ट है। अच्छा, आपके लिए MGCI ही बेस्ट है। ओके, ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू।